और अब कुछ बात करें बदलते मौसम की, तो अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। कराची में मानसून की पहली बारिश से ही सड़कें तालाब बन गईं। जी हाँ, पीने को मिलता नहीं और सड़कों से जाता नहीं। बात कर रहे हैं पानी की, और शहर कायद में सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर कायद में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी, मौसम सुहाना हो गया। सरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब नॉर्थ कराची में शादमान नाला ओवरफ्लो होने से सखी हसन कब्रिस्तान के अतराफ की सड़कें तालाब बन गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हसन स्क्वायर फ्लाई ओवर के नीचे पानी जमा होने से कई गाड़ियां पानी में फंस कर खराब हो गई। जमालुद्दीन अफगानी रोड, नीपा गुरु मंदिर, शाहीन कॉम्प्लेक्स और शारा फैसल पर भी कई जगह पानी जमा होने से दुश्वारी का सामना रहा। सरजानी टाउन टंकी स्टॉप के करीब दुकान की दीवार गिरने से एक शख्स जाबाग और एक जख्मी हो गया। सर शाह सुलेमान रोड, शारा फैसल, सदर एमएजनर रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम रहा। मेयर कराची मुर्तजा वाहम ने दावा किया है कि नालों के तमाम चौकिंग पॉइंट्स क्लियर हैं, अमला सड़कों पर मौजूद है। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 200 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फरामी मुअत्तल हो गई। बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। साथी रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ आफताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़।